मानाचं चिन्ह एक चांगलं असावं असं माझ्यासारख्या कलाकाराला नेहमीच वाटत असतं. आणि त्यामुळे जेव्हा आमचं बोलणं झालं की मी काम करायचं आहे, तेव्हा बघीन सांगीन असं न म्हणता कधी असं मी विचारलं. आणि मग हा चित्रपट तर चांगलाच आहे, खूप छान त्यांचं दिग्दर्शन लेखन हे सर्व चांगलं आहे. आणि मुख्य म्हणजे आमचं शूटिंग जे झालं ते फार्म हाऊसवर झालं. बोलला हो, मी अभिनय आम्हाला दाखवलेला आणि छान सिद्ध केलेला आहे स्वतःला, या चित्रपटाविषयी सांगा. मजा म्हणजे या सिनेमात मोस्टली मी पोलिसांची भूमिका केली आहे, पण ह्या सिनेमात मला वेगळं काहीतरी करण्याची संधी विजय कोडके सरांमुळे आणि नंदू उभे सरांमुळे मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. काहीतरी वेगळं करणं म्हणजे आता पोलीस करणं म्हणजे माझ्या शरीराशी 50% काम माझं पूर्ण होतं, फक्त मला 50% काम करायचं असतं. पण अशी वेगळी भूमिका करायची असेल तर त्यात वडिलांची भूमिका, त्यात तो 60 वर्षांचा ड्रायव्हर आहे, मिडल क्लास माणूस आहे, म्हणून मी स्वतः टोन डाऊन केली ह्या भूमिकेसाठी. तर ह्या गोष्टी कराव्या लागतात जेव्हा वेगळी भूमिका करायची असेल तेव्हा. आणि काम करताना खूप मजा आली, कारण विजय कोडके सरांनी 23 वर्षांपूर्वी माहेरची सण ह्या गोल्डन जुबली सिनेमा केला होता. आणि माझी अपेक्षा अशी आहे की वायवा रसिक प्रेक्षक पण ह्या सिनेमाला तेवढंच यश देतील अशी आमची अपेक्षा आहे. त्याप्रमाणे आम्ही प्रयत्न केला हा सिनेमा बनवण्यासाठी की 100% मायबाप रसिक प्रेक्षकांचं एंटरटेनमेंट होईल, त्यांना मनोरंजन मिळेल, हा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. ट्रेलर लॉन्च हुआ और सॉन्ग भी लॉन्च हुआ, इसके बारे में बताइए. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. एक साल पहले हमने शूटिंग शुरू किया था और तब से मैं भी रुकी थी कि ये कब आ रहा है, और आज देखकर बहुत खुशी हुई कि हमने जो इतनी मेहनत की है, हमने जो इतना प्यार दिया है इस फिल्म को, वो अब आपके हाथ में आ रहा है. और ये आपकी पहली मूवी है, कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा शेयर कीजिए शूटिंग के दरमियान कैसी कुछ यादें रही तो कुछ शेयर कीजिए. ये मराठी में इतने बड़े स्केल का मेरा पहला पिक्चर है, और विजय कोडके सर ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे ट्रस्ट करके माहिर जी साड़ी के बाद इतना बड़ा रोल दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. 1.5 महीने का करीबन शूट चला भोर गवली में, जो कोडके फार्म्स है वहाँ पे. और कोडके फार्म्स तो आप सभी को पता ही होगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे शूट करने मिला, इवन दैट इन इटसेल्फ वाज अ बिग अचीवमेंट. और बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े नाम हैं, उनके साथ मैं शूट कर रही थी, तो उनके बीच तो मैं बस एक नया चेहरा थी. तो हर रोज़ मैं सुबह उठ के सेट पे जाती थी और कुछ नया मुझे सीखने को मिल रहा था, ऑन स्क्रीन हो ऑफ स्क्रीन हो. बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. और उतार चढ़ाव तो हर फिल्म सेट पे होते हैं, बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस है इसमें, तो बहुत बार चोट भी लगी, बहुत बार बहुत धूप भी था, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट नन ऑफ दैट मैटर्ड बिकॉज वी वर सो इन्वेस्टेड इन व्हाट वी वर डूइंग. डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ आपको मिलकर ये काम कैसा रहा, कैसा उनके साथ कनेक्टिविटी रहा, मतलब काम करने में कोई तरह की दिक्कत या परेशानी या फिर सुबह आना या फिर डांटी वगैरह कुछ ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो तो दिक्कत बिल्कुल नहीं थी. मैं जब 6-7 साल की थी तभी से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. इसके पहले मैंने हिंदी मराठी और TVCs फिल्म्स बहुत कुछ काम किया है, तो ऐसे तो मुझे आदत थी. लेकिन ये ऐसा फिल्म सेट था जो एकदम घर की तरह लग रहा था. सब एक साथ मिलजुल के खाना खाते थे, सब एक साथ मिलजुल के गप्पे लड़ाते थे, तो बहुत हैपनिंग फिल्म सेट था. और विजय सर ने भी मुझे बहुत संभाल के लिया, वो हर चीज़ मुझे
बहुत समझाकर बताते थे, क्योंकि जैसे आपने महाजी साड़ी देखा ही होगा कि बहुत हैवी सीन्स इसमें भी है, तो उन्होंने मुझे खाली हाथ पकड़ कर सब कुछ सिखाया। फैंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के और ये सॉन्ग को लेकर के, दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक उनके कैरेक्टर के बारे में पूछो ना। मेरा किरदार थोड़ा सा लव है, थोड़ा कॉमेडी करके छोड़, बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत ही हमें काम करते समय क्योंकि दादा को उनके के साथ हम काम नहीं कर सकते, पर विजय कुमके के साथ काम कर सकते, उनसे हमें बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा माहौल था, शूटिंग बहुत अच्छा माहौल था, नए लोग जो है फिल्म है अच्छा काम करते हैं, मुझे आशा है ये फिल्म थिएटर में आके पब्लिक देखेगी, उनको देखना चाहिए ऐसा लगता है। जैसे कि नए नए आर्टिस्ट क्या ये नए हैं, उनके चेहरे नए हैं, अगर ये कहीं ना कहीं तो काम तो करती है, उनको एक्सपीरियंस है, नई पीढ़ी के लिए यही कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी की उपलब्धियाँ हैं वो हमारे जनरेशन को सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंसियर, बहुत ही होशियार, मार्केटिंग कैसा करते हैं, अपना खुद का मार्केटिंग कैसा करते हैं, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके फिल्म में काम करने का अभी तक नहीं मिला, लेकिन अभी इतने सालों के बाद जब उन्होंने ये लॉन्च किया और हमें पूछा है, अरे बहुत आनंद है कि एक अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा उनके साथ यही कलाकार की जरूरत और गाने बहुत ही पसंद आएंगे, गाने बहुत अच्छे लिखे हुए, उस जमाने की याद दिलाएंगे जो दादा गुमके की फिल्म के जो गाने थे, उस तरीके का उसका संगीत है, लोगों को बहुत आएगा, हमें ये विश्वास है। हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ मनोरंजन के दृष्टि से फिल्म ये फिल्म में कुछ मैसेज है, ये सोच के ये समझ के ये फिल्म देखो, थिएटर में आकर देखो, मोबाइल पे मत देखो, टीवी पे मत देखो, एक थिएटर में आके देखो, हम ये चाहते हैं कि हमें थिएटर में आके आ देखें,